हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप शेकअप। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके साथ बहुत ही छोटा सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि अनबॉक्सिंग वीडियो है। यस गाइस, रिसेंटली मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ इसका अनबॉक्स एंड इसका रिव्यू शेयर करते हैं। सो आज मैं आपके साथ वो सारा शेयर करूंगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज गाइस, ये थोड़े दिन पहले पार्सल मुझे ऑर्डर प्लेस हुए थे बट मैंने उनको ऐसे ही संभाल कर रखा हुआ था कि मैं इसका वीडियो आप लोगों के साथ बनाऊंगी और शेयर करूंगी। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट भी नहीं करते यार, इतनी कंजूसी क्यों? और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार, किसका वेट करो, जाकर अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करो और गाइज मुझे सपोर्ट करो। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर मेरे वीडियो बनाने का क्या मतलब? तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे ना तो प्लीज़ यार इतना कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो जल्दी से करते इसको अनबॉक्स, क्योंकि अब ना मुझे थोड़ा सा भी सब्र नहीं हो रहा है सीरियसली। तो चलो अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। और गाइस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, शायद 3 या 4 प्रोडक्ट हैं तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिले थे। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, तो पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। सो गाइस ये है मेरे पार्सल। एक्चुअली मैं ना वैसे दिख नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि इस तरह से दिखाते हैं आपको। तो पहले मैं छोटू वाला ओपन करती हूँ। गाइस देख सकते हो इसमें ये 3 प्रोडक्ट हैं जो कि ये 2 ग्लिटर आईलाइनर थे और ये है मस्कारा मार्स का। एंड मैंने मार्स के ये प्रोडक्ट परचेज किए हैं, वो बताना मैं आपको पहले भूल गई थी। सो इसमें ये 3 प्रोडक्ट हैं और इस बड़े बॉक्स में देखती हूँ क्या है। ओहो, इतने बड़े बॉक्स में सिर्फ ये आई शैडो पैलेट है गाइस ये, और सिर्फ इतने बड़े बॉक्स में ये था। काफ़ी सेफ्टी के साथ, ये देख सकते हो बबल रैप है, और काफ़ी सेफ्टी के साथ ये मुझे रिसीव हुआ है और आई एम वेरी एक्साइटेड। गाइस ये मार्स का आई स्कैन किल आई शैडो पैलेट है और इसमें देख सकते हो कितने ही मस्त मस्त कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जैसे मस्त मस्त 2 नैन, प्रीटी, गेट मी मेकअप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी जो कि रीड करोगे ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बॉम और ब्यूटी, गुलाबी आँखें, ये देखिए गुलाबी आँखें जो तेरी, देखी ये सारी चीज़ें इसमें। तो चलो इसको ओपन करते हैं और अंदर देखते हैं कैसा है। ओ माय गॉड, कैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना अच्छा मिरर मिला हुआ है और ये हैं सारे कलर्स। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा ऑसम कलर यार, इसका कलर कलेक्शन भी बहुत अच्छा है एंड इसमें मुझे टोटल 32 कलर मिले हैं। सो यार गाइस आपने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी देख ली है, सो अब देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा वर्क करते हैं एंड इसमें ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बिकॉज जो बिगनर्स हैं एंड जो बहुत ही ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करना चाहते हैं अपने मेकअप प्रोडक्ट के साथ में, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बस आप ये एक आई शैडो पैलेट ले लो और बस आपको और किसी आई शैडो पैलेट की नीड ही नहीं है। सिर्फ आप इसमें एक बार अपना इन्वेस्ट कर दो मनी और बस आप हमेशा इस प्रोडक्ट को लेकर के कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। एंड आप देखो कि इसमें टोटल 32 कलर दिए गए हैं और गाइस सबसे बेस्ट पार्ट ये है इसका कि इसमें कि देखो मिरर भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा मिरर है और इसमें आपको दिख रहा होगा कि मेरा सेटअप कैसा है। और इसमें गाइस सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आपको इतने सारे सेट्स मिल रहे हैं और सेकेंडली ये है कि आपको एक गाइडलाइन भी दी जा रही है। गाइडलाइन क्या है कि सबसे पहले देखो इसमें लाइटर कलर के सेट दिए गए, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क एंड इसमें सिमर शेड और ग्लिटर सेट दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपको। तो आपको कोई अदर पैलेट भी लेने की नीड नहीं है कि यार ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारे पास न्यूट्रल सेट होते हैं तो लगता है यार सिमर सेट के लिए अलग से पैलेट लें एंड ग्लिटर सेट के लिए अलग से लें, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पैलेट ले लो। और मैं ना इस पैलेट की सच में फ़ैन हो गई हूँ और अब से मेरा जो भी मेकअप वीडियो आएगा ना उसमें आप यही पैलेट देखोगे मोस्टली। एंड इसमें ना थोड़े से कलर को मैं हैंड स्वच करके दिखाती हूँ। सो कौन सा कलर पिक करूँ, चलो एक ये ले लिया, सेकेंड ये लिया और ये लिया, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ग्लिटर सेट।
गाइस देख रहे हो पिगमेंटेशन कितनी ज्यादा ऑसम है, और ये थोड़ा सा ग्लिटर कम लगा है तो थोड़ा सा और दे दे। सिर्फ मैंने 4 कलर्स ही पिक किए हैं और आप देख सकते हो 1 स्वाइप में ही कितना अच्छा कलर दिया है। और गाइस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये पैलेट। तो चलो आई मेकअप करके दिखाती कि आपको कैसा क्या। और मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बिकॉज मैंने फ़ैन ऑफ कर रखे ताकि आपको वॉइस क्लियर समझ आए। तो यार उसके लिए ना एक लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। सो फैन को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद मैं थोड़ा सा आई मेकअप करके आपको दिखाती हूँ। गाइस आई एम कन्फ्यूज बिकॉज कि कौन सा आई शेडो मैं अपने आईज पर अप्लाई करूं। सो आई थॉट कि मुझे ना ये पर्पल शेड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहे हैं, सो मैं यही ट्राई करती हूं। तो मैं जल्दी से बता देती हूं कि मैं पहले आपको लाइटर शेड लगाऊंगी, देन मैं डार्कर, फिर उसके बाद उससे सिमर शेड, और लास्ट में देखूंगी ग्लिटर की नीड होगी तो वो भी अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइस इसका MRP है 999 एंड मुझे ये आई थिंक 750 का समथिंग बड़ा है, मुझे याद नहीं कितना मुझे मिला है एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं, मैं इधर के स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी। तो सबसे पहले मैं ये लाइट कलर का आई शेडो पिक करती हूँ। गाइस आप देख रहे हो ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये फिंगर से अप्लाई हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा मुझे इजी लग रहा है अप्लाई करना। तो ये कितना अच्छे से मेरी फिंगर में आ गया है और अब मैं इसको अपने आई कॉर्नर पर अप्लाई कर लेती हूँ। गाइस ये लिटिल बिट फॉल आउट हो रहा है बट फिर भी यार काफ़ी सही है इसका ग्लिटर भी। गाइस इन दोनों शेड्स को मिक्स करके अपनी लोअर लाइन के नीचे अप्लाई करूंगी। डन गाइस मेरा ये आई शेडो डन हो गया है। और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है और ये ना मेरे लुक पर बिल्कुल अच्छे से सूट कर रहा है बिकॉज मेरी लिपस्टिक का सेट और आई शेडो का सेट काफ़ी ज़्यादा मैचिंग सा लग रहा है। सो इसके बाद मैं बाकी प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ, जो कि ये 3 प्रोडक्ट मैंने और परचेज किए हैं। ये हमारा मस्कारा और ये दोनों ग्लिटर आईलाइनर है एंड आई थिंक एक सिल्वर है और एक गोल्डन है। और गाइज ये मुझे ना 200 समथिंग कुछ पड़े हैं, मैं सबके स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगी ताकि आप अच्छे से देख लेना और समझ लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो परचेज करने के लिए। सो ये है गोल्डन आई लाइनर और मेरे पास ना आई लाइनर नहीं थे इस तरह के गोल्डन एंड सिल्वर एंड कलरफुल, सो मैंने ये दोनों परचेज किए हैं और मुझे ना ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गए हैं। और गाइस जब आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं ना तो आप कितने ज़्यादा हैप्पी होते हो मेरी तरह। सो ये दोनों हैं, ये है सिल्वर और ये है गोल्डन। सो मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ, इसको दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा क्या आप लोगों को दिखाने के लिए? चलो देखते हैं अप्लाई करने के बाद कहीं मैं बिल्कुल भूत ना लगूं। लेट्स ट्राई इट। सो गाइस मेरा आईलाइनर भी डन हो गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा भूत जैसी लग रही हूँ बिकॉज ना आई मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है और आप लोगों को ना सारे प्रोडक्ट दिखाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया है, बट सही है, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मैं फॉल्सीज नहीं अप्लाई करूँगी, अगर वो अप्लाई करती तो बैलेंस बन जाता आँखों का, बट कोई नहीं। एट द लास्ट बचता है ये मार्स का मस्कारा। और गाइस अभी तक मेरे पास मेबलिन, लैक्मे यही मस्कारे थे और फर्स्ट टाइम मैंने ये परचेज़ किया बिकॉज इसके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू मैंने देखे एंड इतने कम प्राइस में, लाइक मुझे ये 150 से भी कम का परचेज़ हुआ है। इतने कम प्राइस में आपको मार्केट में इससे बेटर मस्कारा नहीं मिलेगा लिटरली गाइस। तो अगर आप इस तरह के मस्कारा सर्च कर रहे हो इतने कम बजट में तो आप ये एक बार लेकर देखो, आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो इसकी मैं पैकेजिंग भी हटा देती हूँ।
गाइज इसकी वॉन्ड देख रहे हो बहुत ही सही वाली है एंड ये जेट ब्लैक मस्कारा है और इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मेरे आई लेसेस को कैसे लेंथ देता है और कितनी कोट करने पर ये मेरी आई लेसेस को अच्छे से यू नो ग्रूम करेगा। तो करते हैं अप्लाई। सो गाइस मस्कारा भी हो गया है डन और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि पहले से और अब में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। सो गाइस ये था मेरा मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया और आई होप आपको ये पसंद आया हो। और आप देख सकते हो मेरी आईज कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं। बस मैंने फॉल्सीज अप्लाई नहीं की बिकॉज मैंने मस्कारा का आपको दिखाना था सो उसकी थोड़ी सी कमी है बट ओवरऑल मैं मुझे अपना लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही ये भी मुझे बताना। एंड गाइस अगर आप भी कोई अफोर्डेबल आई शैडो प्रोडक्ट परचेज करने की सोच रहे हो और सर्च करो मेरी तरह बिकॉज मैं जब भी कोई प्रोडक्ट सोचती हूँ ना परचेज करने के लिए उसके पहले मैं बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ उसका रिव्यू देखती हूँ एंड वो कितना अच्छा है या नहीं क्योंकि आप अपनी पॉकेट मनी से अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि वो आपके लिए वर्थ इट हो आप हमेशा उसको यूज कर सके। सो दैट मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किए और आप लोगों के सामने इसका रिव्यू शेयर किया। एंड गाइस ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप मैंने आपको सारी डिटेल अच्छे से दी हो और समझ में आया हो और देख सकते हो गर्मी की वजह से कितना ज्यादा पसीना मेरे आ रहा है। सो वीडियो को करते यहीं पर स्टॉप। टिल देन टेक केयर बाय बाय और मिलते हैं किसी अदर वीडियो के साथ में। बट गाइस जाने के पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। सो बाय बाय।